इस इलाके दे विच चिट्टा शरियां वेख रहा है ते जिहड़े बंदे दे इलाके चिट्टा वेख रहा उहदा सभा जाके मेरी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। उन्हूं आप गिरफ्तारी देनी चाहिए है कि मैं चिट्टा नहीं कंट्रोल कर सकिया ते धीआं पुत मर रहे ने लोगों के, तो जे उन्हूं आना चाहिए। अच्छ मैं कहना इतने आके वेखे भी संगतां नूं मुल लैंदा सी कि तुहाडी रैलियां नूं, सो इस करके विधानसभा का कम करे, ओपोजिशन वाला कम करे। गुस्से वाले का कतल इस करके कराता है, सिक्योरिटी वापस लई वो एड्डी जिहड़ी कॉन्फिडेंशियल इनफॉर्मेशन सी वो बाहर लीक की, उन्होंने सैलीब्रेट किया। जो कतल हो गया तो मेरा हत्या करके बैठे जिन्हें पार्टी का बंदा सो बंदे अज तक सड़कों पर नहीं उतरे कि वो कातलों को गिरफ्तार करो, वह प्यो बेचारा धरने से बैठा। नहीं मैं कहना भी देखो पंजाब विधानसभा लाने कत ने जे तो मेरी गिरफ्तारी करके ला रहे हैं तो फिर वह ना बदल देन, तो जे लोगों के मुद्दे जिन्होंने लोगों ने वोट पाई है शर्म कर थोड़ी बहुत जिन्होंने तुम्हें कुर्सियों से बिठाया है उन्होंने मुद्दे छड़ के तुम जे नशे बंद कराने का मुद्दा चुकया पंजाब विधानसभा किसने। इतने इस इलाके दे विच चिट्टा शरियां वेख रहा है तो जिहड़े बंदे दे इलाके चिट्टा वेख रहा विधानसभा जाके मेरी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। उन्हूं आप गिरफ्तारी दे देनी चाहिए है कि मैं चिट्टा नहीं कंट्रोल कर सकिया तो धीआं पुत मर रहे ने लोगों के, तो जे उन्हूं आना चाहिए। अच्छ मैं कहना इतने आके वेखे भी संगतों नूं मुल लैंदा सी कि तुहाडी रैलियां नूं, सो इस करके विधानसभा का कम करे, ओपोजिशन वाला कम करे। जो पंजाब के मसले ने पानिया का मसला कोई गल नहीं कर रहा, इतने एक अद्धा बंदा कोई गल करता कोई सुनता नहीं, चीख झड़ा पा के बह जाते हैं। सो मैनू ए लगता भी जी कुकड़ खे डा रहे हैं उत्थे इन्हों नहीं चाहिए बंदियां वांगू वतीरा करन की करते हैं। कोई हथियार कैंसल करने का मामला देखो सरकारां एक पासे कह रही सानू खतरा है, दूजे पासे साडे हथियार कैंसल करके साडा शिकार खेडण की तैयारी है। सो इस करके ये तो भुल जाने गल चंगी नहीं, सिखां नूं निहत्थे करना जिहड़ा है ये हर हुकूमत ने जोर लाया है, मुगलां ने अंग्रेज़ों ने हुण ये ला रही है हुकूमत जोर, सिखां नूं निहत्थे नहीं किया जा सकता। हाजे इन्हां नूं ये चाहिए भी सारे लसंसी हथियार ने भी तुहाडे कोल आटोमैटिक गन्ना ने साडे कोल 3.3 की हो जूगा, पर ये जानबूझ के चाहते हैं जिहड़े ड्रग के वड्डे वड्डे कारोबारी ने जिन्हां दे धंधे बंद हो रहे आ वो साडी जान दुश्मन बने, तो इन्हों भी इन्होंने कोई भी हथियार खोइए, पर यह संभव नहीं होना। कोई सरकारों सोच समझ के कोई बयान कर देने चाहिए, मैं ऐ लगता मूसे वाले का कतल इन्हें इस करके कराता ही, सिक्योरिटी वापस लई वो एड्डी जी कॉन्फिडेंशियल इनफॉर्मेशन से बाहर लीक की उन्होंने सैलीब्रेट किया। जो कतल हो गया तो मेरा हत्या करके बैठे जिन्हों के पार्टी का बंदा सो बंदे अज तक सड़कों पर नहीं उतरे कि वो कातलों गिरफ़्तार करो, वह प्यो बेचारा धरने से बैठा है, इन्हों शर्म आनी चाहिए भी कर की रहे हैं। देखो आनंदपुर साहब जो घटना वापरी है पहले तो मैं दसदा भी आपां नूं फर्क पता करना भी गुलामां दे नाल जदों कुछ हुंदा है, जे निहंग सिंह को बंदा वड्डे हुंदा तुहाडा की मीडिया का रोल हुंदा, उत्थे बड़ियां बड़ियां स्टोरियां होनियां सी, उत्थे चीख झाड़े पैणे सी, डिबेटां चलणियां सी, पंजाब की शांति भंग होगी इहो जिहे रौले पैणे सी। हुण तुसीं दस्सो किसे बंदे ने एक भी गल कही पंजाब की शांति भंग होगी? निहंग सिंह बाणे 'च सी उहनूं किद्दां बेरहमी नाल कतल किया गया, वीडियो आ गई पर किसी की शांति भंग नहीं हुई। नौजवान सिख नौजवान किसी को मर्यादा तो भी रोक देवे ना भी आ मर्यादा का घाट ना करो तो शांति भंग हो जाती है। असी शांतमई उत्ते जाइए मोर्चा लाउण तो उत्थे साढ़े डांग साढ़े बरे साढ़े तो एलीगेशन भी तो गुरु की वोट आसरा लिया, अज भी तो गुरु की हजूरी च बैठे हैं। सो ये गुरु की हजूरी चो बाहर किदन गए से असी? मैनू ऐ लगता है भी जो आनंदपुर साहब वापरिया यह प्रतक है भी सिखां दे दुश्मन जो सिखां दा कतलेआम हुंदा खुशी मनाउंदे जां चुप करके बह जांदे आ, जदों सिख संघर्ष करदे आ अपने अकली इह सारा लोंगलाना बाहर आण के सिखां दा विरोध करदा। राजा बड़ेंग कहिंदा कि तुहाडा लीगल एडवाइजर पीसी होटल च ठहर के आईएसआई नाल मीटिंग करदा। कौन लीगल एडवाइजर है मेरा? ओह कह रहे ने कि इहदे पीसी दा नाम लिया तो जंद दे सो। मैं कहिंदा जिन्हां ने नाम लिया जी उहनां नूं कहो भी तुसीं लागे बैठे सी मीटिंग च कहिंदी जी, अजकल जे मीटिंगां किसे ने करनी होणी ते फोनां ते हो जांदियां, मतलब इहो जिहीआं नॉनसेंस गल्लां करनियां। वो पिछले जे कितने अफगानिस्तान जो चलिया तालिबान का रौला उदो कहते भी पता नहीं किड़े होटल की पंजी मंजिल उसे मंजिल ही दो ही है। सो य मैंने लगता भी राजे बड़िंगन उन्होंने कही तो भी जिन्हें सरकार रही सी वो बेबी पाकिस्तान तो आ के 5 साल इतने बैठी रही उदों तुम्हें नहीं पता लगा भी ऐसे की कर रही। सो असी तो स्पष्ट किया भी पाकिस्तान के जो हालात ने हिंदुस्तान के हालात ने फर्क की है दोनों मुल्कों के। सो ना सानू कह दी मैं लोड़ा ना लैनी है, सानू गुरु की हमायत हैगी ही बहुत साढ़े मजीठिया का अच्छा बयान है कहें न्याण की लड़ाई गुरु ग्रंथ साहब लै गए कहें कहो भी भाई चिट्टे की लड़ाई चे कोई गुरु ग्रंथ साहब ने लैके गया, न्याण की लड़ाई नहीं होंगी पंथ की लड़ाई होंगी है, कोई न्याणे स्याणे नहीं होंगे। चिट्टे ना लोगों के पुत मारने वाले बंदे बयान नहीं देने चाहिए। देखो जिहड़े बंदियां ने अकाली दल का यह असर किया भी अज अकाली दल हाशिए ते आण के पहुंचा, नौजवानों भी अपील है हाथों अकाली दल कढ के अकाली दल याद करो, अकाली दल पंथ का सरमाया किसी इन्हां दी कोई निजी जायदाद नहीं,
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਟੱਚਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੇਸ਼ਵਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰੇ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਰੱਦ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਕਰੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਅਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੀ ਖੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਜਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਬੇਬਸ ਹੋਏ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ, ਇਨਸਾਫ਼ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੇਤੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ।